IBN 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले की, जहां पर उमा भारती ने की रामपाल सिंह के लिए मतदान करने की अपील। सिलवानी बमोरी में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रामपाल सिंह के लिए वोट मांगने आई हूं। जब मैं नहीं आई थी तब वो चुनाव हार गए थे पिछली बार। IBN 24 न्यूज के लिए दीपक मेहरा की रिपोर्ट। तीनों मंडलों की तरफ से तीनों मंडल युवा मोर्चा जिनकी सिंचाई परियोजना बहुत बड़ी योजना है स्वीकृत हुई है। मैं कभी भी फोन कर दूं मंत्री रहे, मैंने कहा ये काम होना, संतोषी स्वभाव के होती हूँ, बहुत लालची नहीं होती, बहुत लालसाएं नहीं रखती। उनको बस ये लगता है कि अपने आराम से अच्छा खेती हो रही तो वो हो जाए, नौकरी हो रही तो वो हो जाए, फिर मोड़ा मोड़ी का ब्याह हो जाए और फिर उसके बाद में लड़का पढ़ ले तो उसको कोई आजीविका का साधन लग जाए, तो आराम से कंधे पे पिछोरिया धर के अपने आराम से पान खाते हुए काय भैया करते हुए अपने बातें करते हैं। माताएं बहनें भी आराम से रहती, इससे ज़्यादा की इच्छा मध्य प्रदेश के लोग रखते ही नहीं है। बोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आया संतोष धन तो सब धन धूल समान, बस कितना मिल जाए और ये बना रहे, ये खुशहाली अचल बनी रही। महिलाएं घर से निकली, पहले घर के अंदर महिला रहती थी तो सुरक्षित रहती थी, अब महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, काम कर रही हैं, बराबरी पर नहीं आगे बढ़ जाए हमारी इच्छा है, भाइयों से भी आगे बढ़ करके काम करें, तो उन पे हमले बढ़ गए, उनके इज्जत पे हमले बढ़ गए, पूरी दुनिया में हो गया, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो गया, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना है, शिवराज सिंह की सरकार ने बनाया, जब मध्य प्रदेश में बलात्कारियों को 40 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके फांसी की सजा का प्रावधान हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का दिया, आपकी इज्जत बनी रहे, आपकी मूछ झुकनी नहीं चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा। तो अब रामपाल की सभा में मैं आ गई हूँ, इसका मतलब है कि रामपाल जी को पहले से भी ज्यादा मतों से जीतना चाहिए, इसी में मेरी प्रतिष्ठा है और इसलिए अब मैं जाने की अनुमति मांगूंगी और मेरी फोटो नहीं खींचना, सेल्फी नहीं लेना, पाँव नहीं पन्ना, बिल्कुल सीधे निकाल देना है। मनी स्वयं शिवराज बहुत गरीब किसान के परिवार के हैं और आज यहाँ 13 साल से राज कर रहे हैं और आगे 15 साल और राज करेंगे, और तब तक मैं आपको बताऊं ये तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो तपस्या करी नहीं, संघर्ष किए ही नहीं, ये तो बेचारे, मैं तो सब कांग्रेस के नेताओं को सलाह दूंगी कि देखो यहाँ पर तो कांग्रेस अब राज कर, आप मुझे बताओ मान लो बंगाल में 40 साल बाद का मतलब कांग्रेस 40 साल के बाद वामपंथियों का राज गया तो कांग्रेस लौट पाई? वहां तो टीएमसी लौटी। बिहार में 30 साल के बाद कांग्रेस लौटी, वहां तो नीतीश जी लौटे। यूपी में मुलायम सिंह की सरकार बनी थी, बाद में अभी हमारी सरकार चल रही है। ये जहां से जाते हैं वहां लौट करके भी नहीं आते हैं, इनका तर्पण ही हो जाता है, ये लौट के नहीं आते, इसलिए तो लौट के आएंगे ही नहीं। ये अभी इसी चुनाव में विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहेंगे। इनने जैसी सस्ती हल्की बातें करी हैं मोदी जी को लेकर, हृदय से उनको प्रणाम करेंगे और जोरदार ताली हाथ ऊंचा कर उठाकर उनको प्रणाम, आपकी तरफ से उनसे आशीर्वाद मांगूंगा और आपका भी आशीर्वाद मांगूंगा और आपके आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है और आपका यहाँ आगमन हो गया और रिकॉर्ड मतों से क्षेत्र में हमारे भाई बहन पूरा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपका दर्शन कर रहे हैं। मैं सभी आए हुए अतिथियों को जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, नगर के भी हैं, पूरे क्षेत्र के, बेगमंज के भी, पूरी टीम है, सिलवानी, सभी वर्गों के सभी लोग, प्रमुख लोग हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। भैया तो आशीर्वाद ऊंचा करके मुझे दे दो, जय हो भारत करके। असल में आधा उदयपुर को उदयपुरा को दे दिया गया, उदयपुरा विधानसभा में देवरी को, नहीं तो हर सभा को हम सवा घंटा रखते हैं। अब मुझे आगे 1 घंटे की सभा में बहुत दूर पहुंचना है, तो मैंने रामपाल जी को रास्ते में ही कहा कि भैया हम तो बस थोड़े में सब कही बुझाई और सुनहु तात मति मन चित लाई, बस थोड़े में ही हमने पूरी बात आप लोग के सामने कह दी है और इसको चित्त और मन लगा करके सुन लीजिए कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया है। मुझे इसलिए बुलाया गया है कि ये माना जाता है कि दीदी आएगी तो रामपाल चुनाव जीत जाएंगे, अब मेरी ये इज्जत आपको रखना है, बस ये मुझे आप लोगों से कहना है। और मैंने भी ध्यान रखा है कि आपकी पूंछ नीची ना हो जाए। बोलो, मैंने गंगा का काम करके आपका मान ऊंचा किया कि नहीं? किया। तिरंगा का काम करके आपका मान ऊंचा किया?